एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल True Engineers पर, जहां पर मैं लेके आता हूं आपके लिए केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उनसे संबंधित ब्रांच की वीडियोस। तो आज जो वीडियो का टॉपिक है हमारा, वो है हमारा मैनोमीटर्स। तो जानते हैं पहले मैनोमीटर का यूज क्या होता है, मैनोमीटर्स क्या होते हैं। मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होते हैं जो लो प्रेशर या प्रेशर डिफरेंसेस को मेजर करने में काम आते हैं। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको तो हम बैरोमीटर से मेजर कर लेते हैं, नाप लेते हैं, और किसी फ्लूइड का प्रेशर नापना है या प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। बहुत तरह के मैनोमीटर्स होते हैं, लेकिन दो जो चार मैनोमीटर्स जो बहुत वाइडली यूज होते हैं उसमें होता है यू-ट्यूब मैनोमीटर, इनवर्टेड यू-ट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइंड मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर बहुत वाइडली यूज किया जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल फ्लूइड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यू-ट्यूब मैनोमीटर की। यू-ट्यूब मैनोमीटर एक सिंपलेस्ट मैनोमीटर है, यानी कि ये सबसे सिंपल हमारा मैनोमीटर है। इसमें क्या होती है, एक यू ग्लास की यू शेप की ट्यूब होती है जो एक वुडन बोर्ड में क्लैंप रहती है, वुडन बोर्ड में लगी होती है, और दोनों आर्म्स के बीच में एक इसमें स्केल फिक्स होता है रीडिंग्स को मेजर करने के लिए। इस यू-ट्यूब मैनोमीटर में पार्शियली यानी कुछ हम मैनोमीट्रिक फ्लूइड भरते हैं और बाकी हिस्से में हम प्रोसेस फ्लूइड भरते हैं। मैनोमीट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी घनत्व हमेशा प्रोसेस फ्लूइड से ज्यादा ही होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सबसे कॉमन मैनोमीट्रिक फ्लूइड होता है वो होता है मरकरी। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है और ये ग्लास वॉल से यानी कि जो ग्लास की वॉल होती है यूट्यूब होती है उससे चिपकता भी नहीं है, तो उसे रीडिंग लेने में भी हमें आसानी होती है। तो जानते हैं यूट्यूब मैनोमीटर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये यूट्यूब मैनोमीटर बनाया गया है, इसमें हमारे दो लिम्स हैं, एक लिम्ब वन और लिम्ब टू, यानी कि आर्म वन और आर्म टू मैनोमीटर की, जिसमें आपने प्रोसेस फ्लूइड भरा हुआ है। ये जो डैश करके दिखाया हमारा प्रोसेस फ्लूइड है, और जो डार्क पोर्शन में दिखाया गया है शेडेड पोर्शन में हमारा मैनोमीट्रिक फ्लूइड है। इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है और मैनोमीट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी हमारी रो एम है, क्योंकि ये फ्लूइड मेरा नीचे ज्यादा दब गया, मैनोमीट्रिक फ्लूइड नीचे दब गया और यहां से उठ गया, तो इसका सिंपल से मतलब ये होता है कि यहां मेरा प्रेशर ज्यादा है यहां के मुकाबले, तो जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर से मेरा फ्लूइड मेरा दब जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो यहां मेरा फ्लूइड नीचे हो गया ये, तो यानी कि इस आर्म में मेरा प्रेशर ज्यादा है। ये बीच में स्केल लगा होता है रीडिंग्स को मेजर करने के लिए। मैंने इसमें पांच पॉइंट्स बनाए हैं, आप देखिए पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर और पॉइंट फाइव। ठीक है, पॉइंट वन पर जो प्रेशर है वो है मेरा P1, पॉइंट टू पर प्रेशर P2, पॉइंट थ्री पर प्रेशर P3, पॉइंट फोर पर प्रेशर P4 होगा, और पॉइंट फाइव पर प्रेशर P2। या सिंपल सी बात है कि हमने अभी इन 2 3 4 को छोड़ देते हैं अगर, तो हम सिर्फ बात करते हैं 1 और 5 की। 1 पे मैंने माना मेरा प्रेशर P1 है और 0.5 पे मेरा प्रेशर P2 है। ठीक है, तो 0.1 पर प्रेशर कितना मेरा P1। ठीक है, अब 0.2 पर आते हैं, 0.2 पर प्रेशर कितना होगा मेरा, क्योंकि हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर मेरा इंक्रीज करेगा, तो 0.2 0.1 से नीचे है। ठीक है, यानी कि 0.2 पर प्रेशर कितना होगा, तो ये प्रेशर प्लस इतने हिस्से का प्रेशर, तो P1 प्लस पूरी हाइट कितनी है, इतनी हाइट इसकी x है और यहां से आता क्या हाइट इसकी h है, तो पूरी हाइट कितनी हो गई x प्लस h। ठीक है, प्रेशर होगा h रो g, h यानी कि हाइट, x प्लस h, डेंसिटी कितनी थी रो, और g हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं P3 पर। ठीक है, P3 पर, P3
जो है प्रेशर हमारा कितना है P2, ये वाला प्रेशर प्लस इस हाइट का प्रेशर कितना है एक्स रो जी, इस हाइट एक्स ही है हमारी डेंसिटी एच और रो और जी प्लस इस हाइट का प्रेशर, ठीक है एच हाइट, ये देखिए एच हाइट, इसकी डेंसिटी कितनी है रो एम, रो एम इंटू जी, ठीक है। लेकिन सेम हाइट पर प्रेशर सेम होता है, ठीक है, यानी कि 0.2 और 0.3 एक सेम हाइट पर है तो इन दोनों का प्रेशर हमारा सेम होगा, तो इन दोनों की इक्वेशन को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, P1 प्लस एच प्लस एच जी यानी कि जो 0.2 पर प्रेशर था और ये 0.3 पर प्रेशर, इसको जो हमने कैलकुलेट किया देखिए एक्स रो जी यहां कट जाएगा, ठीक है एक्स रो जी और एक्स रो जी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या इक्वेट करते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एच रो एम जी माइनस एच रो जी, ठीक है ये जो P1 माइनस P2 है इसे कहते हैं प्रेशर डिफरेंस, यही हमें कैलकुलेट करना होता है मैनोमीटर में, यानी कि दोनों टैप्स के बीच जो प्रेशर डिफरेंस होता है जहां पर मेरा ये लिप कनेक्ट होगी और जहां मेरी ये लिप कनेक्ट होगी इन दोनों के बीच का ही प्रेशर डिफरेंस हमें निकालना होता है मैनोमीटर में, तो P1 माइनस P2 डेल्टा पी से डिनोट किया एच और जी कॉमन रो एम माइनस रो, यानी कि ये क्या है डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड एंड प्रोसेस फ्लूइड, ठीक है। जनरली मैंने बताया तुम्हें मरकरी हम यूज करते हैं तो मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 13600 केजी पर मीटर क्यूब, और प्रोसेस फ्लूइड जनरली वाटर होता है उसकी होती है हमारी 1 के ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो या ये कह लेते हैं कि जो प्रोसेस फ्लूइड की डेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है एज कंपेयर टू मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जैसे एयर हुआ एयर की डेंसिटी बहुत कम है तो उन केसेस में हम ये भी डिटेक्ट भी कर सकते हैं एच रो एम जी से भी काम चला सकते हैं, लेकिन जो प्रिसाइज कैलकुलेशन होती है वो इसी फॉर्मूले से होगी डेल्टा पी इज इक्वल टू एच रो एम माइनस रो इंटू जी, जहां पर रो हमारा क्या है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी और रो क्या है मेरी प्रोसेस फ्लूइड की डेंसिटी। सिंपल सा फंडा है, जो दो पॉइंट सेम हाइट पर होंगे उनकी प्रेशर इक्वेशंस को हमें क्या करना है कंपेयर करना है, बस हमने क्या करा इस पॉइंट पर प्रेशर लिया 0.2 पर 0.3 पर प्रेशर लिया दोनों को इक्वल पुट कर दिया